आपका स्वागत है आज की एक न्यूज़। शुरू करते हैं डेली आपके लिए गर्मा गर्म जबरदस्त ताजा खबर लेके आता हूं और आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन उससे पहले पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपके हिसाब से बेस्ट बजट ऑलराउंडर स्मार्टफोन कौन सा है। काफी सारे लोगों ने वोट डाला और सबसे ज्यादा वोट आया Redmi Note 9 Pro Max और सेकंड हाईएस्ट वोट आया है Realme 7 Pro। ओके, थोड़े बहुत और भी बाकी है, उसके बाद हम लेके आएंगे सीधा TR स्मार्टफोन अवार्ड 2020। बाय द वे दोस्तों, आज हमने MediaTek Dimensity 800U और Snapdragon 750G का कंपैरिजन किया है। मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा, तो उस वीडियो को देखना, आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों लाइक करिए, कल एक एक्सक्लूसिव वीडियो आएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना, मजा आएगी। और लाइक करिए, 50,000 लाइक्स बस, ज्यादा नहीं है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं 2020 से। ये साल इतना खतरनाक निकला है कि हम उसको कभी नहीं भूल सकते, मतलब हमारी मेमोरी में दोस्तों ये घुस चुका है। इस साल में दोस्तों सीवियर पेंडेमिक हमने देखा, शॉकिंग डेथ्स हुए, अनएम्प्लॉयमेंट और न जाने क्या कुछ नहीं हुआ। और इसी से रिगार्डिंग जितने जो सर्चेस हुए थे गूगल पर, उसकी रिपोर्ट यहां पर आ गई है इंडिया की। दोस्तों ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, जो सबसे ज्यादा सर्च हुआ है, आप सोच रहे होंगे COVID-19, लेकिन नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया है 2020 में, वो है IPL। लोगों ने सोचा यार बहुत दुख है दुनिया में, उसको छोड़ दो, सीधा मैच पर फोकस करते हैं। उसके बाद COVID-19, फिर बिहार इलेक्शन, US इलेक्शन और सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जो आखिरी पिक्चर थी दिल बेचारा, उससे रिगार्डिंग भी बहुत सारे सर्चेस हुए थे। वैसे अगर मोस्ट सर्च पर्सनालिटीज की बात करें तो सबसे पहले है जो बाइडेन, उसके बाद है अर्णब गोस्वामी, कुछ भी, उसके बाद है कनिका कपूर, दिस प्रूव्स टर्की एग्जिस्ट, उसके बाद किम जोंग उन, अरे भाई वो उधर है, उससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन नहीं, लोगों ने सर्च किया और वगैरह वगैरह। उसके अलावा टीवी शोज या वेब सीरीज की बात करें तो मनी हाइस्ट पहले, फिर स्कैम 1992, उसके बाद बिग बॉस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये सारी चीजें ट्रेंड में थी इंडिया में, जो 2020 में सर्च हुई थी। वैसे आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने 2020 में क्या सर्च किया था, वो गंदा ख्याल दिमाग से निकालकर, उसके अलावा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सैमसंग की तरफ से दो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और सबसे पहले बताया जा रहा है कि सैमसंग दोस्तों M सीरीज में भी अपना एक नया टैबलेट लॉन्च करेगा। जी हाँ, सैमसंग की A सीरीज और S सीरीज में तो हमें टैब मिल रहे थे, लेकिन M सीरीज में भी लेके आ रहा है। जी हाँ, M62 के नाम से ऐसा एक मॉडल नंबर ऑनलाइन लिस्ट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 256GB स्टोरेज भी होगी। उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। वैसे दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज जो इंडिया में आएंगी, इसमें हमें Exynos 2100 वाला प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ, अभी ये प्रोसेसर के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जब ऑफिशियली आएगा तो देखेंगे कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये इंडिया में 29 जनवरी से अवेलेबल हो जाएगा, मतलब ग्लोबली जो रूमर्स थे ना कि 14 जनवरी को लॉन्च होगा, तो उसके बाद हमें 10-15 दिन बाद इंडिया में भी ये देखने को मिलेगा, सेल पर भी चला जाएगा या प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी, उसकी भी खबरें यहां पर आ रही। तो मतलब हमने जो सोचा था उससे कहीं जल्दी हमें सैमसंग S21 सीरीज इंडिया में मिलेगी। आने दीजिए दोस्तों, जनवरी में आपको इसकी अनबॉक्सिंग जरूर से देंगे। कल वैसे चाइना के अंदर ओप्पो ने अपने रेनो 5 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, यस। और इंडिया में दोस्तों हमें इस महीने की एंड या मोस्ट प्रोबेबली जनवरी की स्टार्ट में मिल जाएंगे, और जहां तक मुझे ऐसा पता है सिर्फ एक ही फोन आएगा दोनों में से, और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो ओप्पो रेनो 5 प्रो होगा। वैसे चाइना के अंदर प्राइस जो स्टार्ट होती है रेनो 5 की 30,000 से, 8128, 12256 कुछ वैसा है, और जो रेनो 5 प्रो है वो 37-38,000 से स्टार्ट होता है। सेम रैम और आपको स्टोरेज मिलती है दोनों में। वैसे आपको ओलेड डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट है, 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है, 32 की सेल्फी है। रेनो 5 में स्नैपड्रैगन 765G है, तो रेनो 5 प्रो में आपको Dimensity 1000 प्लस वाला प्रोसेसर है और 65W चार्जिंग वगैरह वगैरह, तो ऐसे कुछ सिमिलर चेंजेस आपको यहां पर मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में भी यही प्राइस होगी क्योंकि प्रीमियम प्राइस टैग ही होता है। आने दीजिए क्या होता है, आपको थोड़े दिनों में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेहरबान, कदरवान, ज़हवान, आज की ताजा खबर की बात करें तो वो PUBG की नहीं बल्कि आ रही है जियो और रियलमी की तरफ से। जी हाँ, अभी हाल ही में आपको बताया जियो ने क्वालकॉम और गूगल के साथ में ऑफिशियली पार्टनरशिप किया है और उनके साथ मिलके बहुत सारी चीजें करेगा 5G से रिगार्डिंग, और नए नए फोन्स लेके आएगा। और बीच में ये भी बताया जा रहा था कि जियो वीवो और दूसरी कंपनीज को भी ढूंढ रहा है, स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करेगा और बहुत सारी चीजें करेगा। अब दोस्तों जो न्यू प्लेयर एंटर किया है जियो की पार्टनरशिप में, अभी फिलहाल के लिए ऐसी खबर आ रही है, वो है रियलमी। यस, जियो रियलमी के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है,
कुछ नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। इनमें सिर्फ स्मार्टफोन्स ही नहीं होंगे, दूसरे भी प्रोडक्ट्स हमें इनके पार्टनरशिप में देखने को मिल सकते हैं। मे भी क्या पता फ्यूचर में जियो और रियलमी के कुछ अफोर्डेबल 5G फोन हमें इंडिया में देखने को मिल जाए, ऐसी भी यहां पर बातें हो रही। तो मतलब जियो ने पूरा सेटिंग कर दिया कि भाई पैर तो जमाना ही है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है, ये जियो ने यहां पर सोचा है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। आने दीजिए दोस्तों, क्या खास करता है जियो हमें 2021 में धीरे धीरे इसके बारे में पता चलेगा। वैसे एप्पल की तरफ से कुछ खबरें आ रही है और सबसे पहले आपको बता दूं एप्पल का ये जो एयरपॉड्स मैक्स जो हाल ही में आया था, एकदम ओवर द ईयर हेडफोन्स जो कुछ 60,000 में आपको मिलते हैं, इसका अगर क्यूशन चाहिए आपको वो हेडफोन के ऊपर का, तो वो आपको मिलता है 6,300 या समथिंग का। मतलब उससे तो हमें, उस प्राइस पर तो हमें आजकल फोन्स मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों आईफोन 13 जो सीरीज आएगी, इनमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपको केबल्स भी इस बार नहीं मिलेंगे। चार्जर गया, केबल गया, और 14, 15, 16 आएगा तो खाली बिल मिलेगा, बस आपने पे किया एप्पल को। हाँ, उसके अलावा दोस्तों एप्पल अपने खुद के सेल्युलर मॉडम पर काम कर रहा है। सेल्युलर मॉडम एक फोन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर कॉल वगैरह करना हो या इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, सेल्युलर नेटवर्क से मैं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए फिलहाल के लिए एप्पल के जो फोन है उनमें क्वालकॉम का लगा हुआ है। इसके पहले इंटेल के साथ में बात हो रही थी, लेकिन नहीं, अब एप्पल जो है वो खुद के सेल्युलर मॉडम पर काम कर रहा है और उसके बाद वो अपने हिसाब से दिल खोल के चार्ज करेगा, जो आंखें मांगेगा कभी किडनी के अलावा, नाक मांग लेगा, बाल मांग लेगा, सब उठा के लेके जाएगा। आने दीजिए एप्पल को, कितना दुख दे रहा है और दे सकता है और हम कितना झेल सकते हैं 2021 में हमें और भी पता चलेगा। वैसे इंडिया में बताया जा रहा है कि सोनी के वायो लैपटॉप्स हमें दोबारा देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर एक टीजर निकल कर आ चुका है इन नए वायो लैपटॉप्स का, और ये बहुत ही बड़ी बात है। 2014 में वैसे सोनी ने अपनी जो पीसी बिजनेस था, वायो वाले लैपटॉप्स की बात करूं तो उन्होंने एक हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी नेक्स्ट गो को सेल कर दिया था। उसके बाद उसके अलावा हमें कुछ सुनने को नहीं मिला था। और मुझे याद है, मेरे पास भी, मेरे चाचा के पास भी सोनी वायो का लैपटॉप था। आई मीन एक अलग ही चीज है वो, और ये दोबारा इंडिया में कम बैक कर रहा है। और आने दीजिए क्या खास इस बार वो लोग करते हैं और कितना मजेदार होगा ये, और प्राइस ऑब्वियसली ज्यादा होगी, लेकिन मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। हेलो, एक मिनट। हाँ, वो आपका बेटा टेक न्यूज देखता है, स्किप करते हैं पबजी के लिए। बोलो, मेरा गलती नहीं, न्यूज आता मैं देता हूँ, पर आप लोग देखिए, ये इसके हाथ में मोबाइल है, वो स्किप करता है पबजी के लिए। ठीक है, हाँ ओके, मम्मी डैडी से बात कर लूँ बाद में जाके। पबजी मोबाइल इंडिया, जी हाँ, पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से एक खबर निकल कर आई है कि जो पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल बीटा वर्जन है, उसमें पबजी मोबाइल इंडिया का वेलकम गिफ्ट वाला ऑफर जो वो देखा गया है। मतलब अगर पबजी मोबाइल इंडिया में जब ऑफिशियल होगा तो आपको एक वेलकम गिफ्ट मिलेगा, एक रिवॉर्ड क्रिएट होगा जिसमें आपको अनारकली हेड गियर, जी हाँ, अनारकली हेड गियर, अनारकली सेट और एक क्लासिक क्रेट कूपन, ऐसी कुछ चीजें आपको उसमें जो मिलेगी। और ये बस ऐसी पबजी मोबाइल जो ग्लोबल बीटा था उसमें जो ये चीज देखी गई है, इसका मतलब यस, बहुत ही जल्दी शायद हमें पबजी मोबाइल इंडिया मिलेगा, और उन्होंने ये सारी तैयारियां अभी से ही यहां पर कर दी। अनारकली क्या मतलब, कमाल हो गया। खैर, वापस आए कॉल जी। हाँ, अभी हो गया, दे दिया न्यूज, आप बात कर लेना कि वो स्किप करता है, क्यों करता है, मतलब ठीक है, जाओ मम्मी डैडी से बात करो। माइक्रोमैक्स इन सीरीज में एक और नया फोन हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है, माइक्रोमैक्स इन वन बी, माइक्रोमैक्स इन नोट वन, ये दो ही फोन्स फिलहाल के लिए उन्होंने लॉन्च किए। और अभी इंडिया की BIS पर माइक्रोमैक्स की इन सीरीज का एक नया फोन लिस्ट हो गया है। मुकुल शर्मा ने इससे रिगार्डिंग ट्वीट किया, जो मॉडल नंबर है दोस्तों वो E7748 है, और ये जो मॉडल नंबर है ये इन वन बी और इन नोट वन सीरीज से ना बहुत मिलता जुलता है, तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के अंदर ही एक नया फोन हमें देखने को मिलेगा। अब ये किस तरीके का फोन होगा इसके बारे में फिलहाल के लिए कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, इन सीरीज में एक और नया फोन आ रहा है ये देखकर तो वैसे ही लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको बताएंगे दोस्तों, आज के दिन यानी कि 11 दिसंबर 2008 में गूगल क्रोम का पहला स्टेबल वर्जन आ चुका था कंप्यूटर्स में, उसके बाद macOS और फिर एंड्रॉइड और iOS में भी उन्होंने अनाउंस किया था। जी हाँ, आज की रेड न्यूज में खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की रेड न्यूज पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।